श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, हरि नारायणे नारायणे हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। विष्णु भगवान की जय। आज हम आप लोग को सफला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आप लोग सुनिएगा और बतलाइएगा जे कैसा लगा ये कथा आप लोग को। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नवेद आदि 16 वस्तु का संग्रह करे। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत में समान यज्ञ, तीर्थ दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्वान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सबने लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश यागवन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र को ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उनके मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक प्रतिचारी विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान का सम्मान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रिया स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्या के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गिरा। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल।
आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आ गई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करने भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसने समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण को परम भक्त हो गई। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलता है। जो नहीं करते वे पूछ और सिंगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा स्मरण करने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुम्हें को निसी दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, उज्ज्वल से दो नैना चारि भुजा धारी, कान में कुंडल शोभित बड़ी मुद्रा धारी। ओम जय एकादशी माता, कंचन थाल विराजति अघरी कपूरी बाती, मधुर बिलोचन नैना निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता, मूरि दैत्य को मारे देव मुनि तारे, भक्ति जनों के संकट छनि में दूर करे। ओम जय एकादशी माता, जो ध्यावे फल पावे दुखी बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता, माति पिता तुमि मेरे शरण गहूँ में किसकी, तुमि बिन और न दूजा आसी करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता, तुमि ही जग की माता, तुम्ही ही हो भरिता, तुम्ही करुणा के सागर तुम्ही पालन करता। ओम जय एकादशी माता, मैं मूरखि अज्ञानी ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता, करुणा हाथ बढ़ाओ चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ
पापी हरो सारे। ओम जय एकादशी माता, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, वैसी वैकुंठ परम पदे पारे उतर जावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुम्हें कौन से दिन ध्यावती हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।